हाँ, लो सुपर इन्वेस्टर्स बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जिसके 100 शेयर्स के हो जाने वाले हैं 1000 शेयर्स, और कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर दी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में इस शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज मार्केट में गिरावट हुई तो भी शेयर प्लस में क्लोज हुआ, 2.50% प्लस में क्लोज हुआ। हालांकि आज इसमें अपर सर्किट लग चुका था, बट मार्केट में गिरावट होने के कारण शेयर का सर्किट खुला, पर फिर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो शेयर भागने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी को आप स्टडी करके रिकॉर्ड डेट के पहले बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कंपनी का फेस वैल्यू अभी है 10 का, जो कि कंपनी ने कर दिया है 1 का, जिसके कारण 100 शेयर्स के हो जाएंगे 1000 शेयर्स, जिसका रिकॉर्ड डेट है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है स्प्लिट की। कंपनी पावर प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, और ट्रांसमिशन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेने का काम कंपनी करती है, जिसका आज का रेट था 1554 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 1936 रुपीज़। पी है 470 का, ईपीएस है 3.50 का। प्रमोटर होल्डिंग है 90%, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, और एफआईआई का भी होल्डिंग है 0.03%। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 23 में कंपनी का प्रॉफिट था 2,37,00,000 रुपीज़। जून 24 में प्रॉफिट था 16,56,00,000 रुपीज़, और अभी सितंबर 24 में प्रॉफिट आया है 4 करोड़। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो एवरेज है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, और कंपनी ने प्रॉफिट भी कम ज़्यादा होते रहते हैं, बट कंपनी पावर सेक्टर की है, जिसके कारण एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, पावर सेक्टर में कभी डिमांड कम होने वाली नहीं है, और कंपनी प्लस फंड रेजिंग कर रही है अपने एक्सपांशन प्लान के लिए, प्लस कंपनी ने स्प्लिट भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये सभी कारणों से आने वाले दिनों में शेयर में तेज़ी बन सकती है। कंपनी का नाम है डायमंड पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, डायमंड पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसका स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 10 का फेस वैल्यू हो जाने वाला है 1 का, जिसके कारण एक शेयर के होंगे 10 शेयर, 100 शेयर्स के हो जाएंगे 1000 शेयर्स। तो इस कंपनी को स्टडी करके आप रिकॉर्ड डेट के पहले बाइंग के बारे में सोच सकते हो, जो कि आने वाले दिनों में अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।